जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इस भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं हैं। किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर
समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है।
सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसकी कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों ना चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक, वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है।
उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उसका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है, वे शरीर से उत्पन्न हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त।
और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों सूर्य तारे तथा चंद्रमा हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों यथा प्रद्युमन अनिरुद्ध तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसका बहिष्कार ना करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवद गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें तीन भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराशक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदि हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि,
जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के चार विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और इसके फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज चार वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्य हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो
तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्य ने उदाहरण दिया है, यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहें तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वो ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है
और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि वह अपना थोड़ा समय भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हिंदी में इस तरह समझे नवदा भक्ति के प्रकार। प्रवन, ईश्वर के चरित, उनकी लीला कथा, शक्ति, स्रोत इत्यादि को श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में लीन रहना श्रवण भक्ति कहलाता है। कीर्तन, भगवान की महिमा का भजन करना, उत्साह के साथ उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना और उन्हें वंदन करना ही भक्ति का कीर्तन स्वरूप है। स्मरण, शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण भक्ति कहलाता है। पाद सेवन, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, जीवन की नैया और अच्छे बुरे कर्मों के साथ उनकी शरण में जाना ही पाद सेवन कहलाता है। अर्चन, मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। वंदन, भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करना वंदन कहलाता है। इसमें भगवान के साथ माता पिता, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन का आदर सत्कार करना और उनकी सेवा करना भी है। दास्य, ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करना दास्य भक्ति कहलाता है। सख्य, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता न रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए
कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवद गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवद गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूप पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है,
जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे।